नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ दिन पहले हमारी नानी जी का देहांत हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा, हमारे फेसबुक से जुड़े होंगे, तो अगर नहीं जुड़े हैं तो नीचे इसका लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर आप क्लिक कर हमसे जुड़ सकते हैं। तो हमारे नानी के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण कर लीजिएगा, उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तो उसी के दौरान मैंने हमारे घर में गर्भप्राण हुआ था, तो उसका मैंने वीडियो बनाया था। तो वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए और उसमें आपको विशेष तरह की जानकारी मिलेगी, आपको कैसे मृत्यु लोक में इंसान जन्म लेता है और मृत्यु लोक के बाद क्या होता है। और ऐसा मित मत रखिएगा कि ये तो सिर्फ गर्भप्राण मृत्यु के बाद ही सुनाया जाता है, लेकिन आप इस पे को कभी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको मृत्यु के बाद जब सुना सुन सकता है। तो बस आप लोग यही कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए। चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ सीख लीजिए और कुछ समझ लीजिए। इसके पीछे कोई तत्व रहता तो कोई आजागुन नहीं करता, पायल करता। लेकिन दान कहीं खत्म नहीं होता है और दान का फल यहाँ नहीं मिलता है, दान का फल वहाँ प्राप्त होता है, जिससे फिर या उत्तम यानी स्वस्थ शरीर को आप प्राप्त करके फिर मनुष्य योनि में अच्छा कर्म है तो बड़े घर में जन्म लेकर के आप सुखी और आराम कर सकते हैं। ये मनुष्य के अपने हाथ ही और अपने बस की बात है, ना होना ये तो हमारी भूल है, नहीं करते हैं ये हम लोगों की भूल है। करना चाहिए, भगवान के नाम लेने से मनुष्य के सारे पाप नष्ट होते हैं और भगवान को भूल जाने से उनके सारे दुख समीप यानी नजदीक में चले जाते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और इसकी कोई दवाई भी नहीं है कि दवा खा लेने से भगवान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा, नहीं। जब तक कि भगवान में आप खुद अपने आत्मा को, अपने चित्त को, अपने जीवा को बोल करके सुना करके भगवान को अगर नहीं बुलाते हैं तो ये आप में कमी है और भूल है। ऐसे मनुष्य को धर्मराज दूर से ही त्याग देते हैं। जब तक के भाई बांधो माता पिता जब तक के है, कब तक? जब तक मनुष्य जीता है, मरने के बाद क्षण मात्र में स्नेह से निमृत हो जाता है, आत्मा आत्मा में मग्न हो जाते हैं। बार बार यह जानना चाहिए, जीते हुए ही यह विचार करके कि मरने के बाद कौन देगा, ऐसा जान करके अपने हाथ से ही सब तरह का दान मनुष्य को करना चाहिए। जीवन अनित्य है, इसीलिए पीछे से कोई भी नहीं देगा। ऐसा काष्ट कंकर पत्थर के समान मरे हुए शरीर को धरती पर छोड़ करके सब भाई बांधो मुंह मोड़ करके चले जाते हैं, केवल धर्म ही साथ जाता है। धन तो घर से ही छूट जाती है और भाई बांधु श्मशान से दौड़ जाते हैं और शुभ या वाला शुभ कर्म उनके पीछे पीछे जाता है। शरीर तो अग्नि में जल जाती है, यह जो आप अपना शरीर है यह भी साथ नहीं देता है, शरीर भी ये जल जाता है। भाई बांधु यही छूट जाते हैं, धन दौलत यही छूट जाता है, परंतु वह कर्म ही एक ऐसा है जो किसी भी मनुष्य के साथ जा सकता है, वरना अन्यथा कोई दूसरा उपाय नहीं है। और मनुष्य को धर्म अवश्य संचय करना चाहिए, माता पिता पुत्र बांधु आदि स्त्री संगम पौचाला जाने वाले जीवों जीवों के समान तथा नदी के काष्ठ के समान चलायमान होते हैं। किसी के पुत्र पौत्र किसकी स्त्री अथवा धन है, संसार में कोई किसी का नहीं है, इसीलिए जो देना हो अपने हाथ से दान करे। और जब तक के धन अपने अधीन रहता है तब तक के आप का ब्राह्मण का दिया हुआ ब्राह्मण को दिया जा सकता है, और जब धन दूसरे के अधीन में हो जाता है तो कुछ कहने का विचार ही नहीं होता है। इसलिए पूर्व जन्म के किए हुए दान से बहुत से धन मिला है, इसीलिए ऐसा विचार करके भी धर्मार्थ दान कीजिए। धर्म से धन्य होता है और धर्म से कामना पूर्ण होती है और धर्म से ही मोक्ष मिलता है, इसीलिए धर्म अवश्य करना चाहिए। श्रद्धा से भी धर्म धारण किया जा सकता है, बहुत से धन से ही नहीं, धनहीन भी मुनि लोग श्रद्धा से स्वर्ग को चले गए हैं। जो मनुष्य पत्र फूल फल और जल
मुझे भक्ति से देता है वह पवित्र पवित्रात्मिका भक्ति के दिया हुआ भोजन मैं करता हूँ। इसीलिए विधि पूर्वक अवश्य दान देना चाहिए, थोड़ा हो अथवा बहुत इस बात की गिनती नहीं करनी चाहिए। जो आतुर समय भूमि में पिता के हाथ से दान दिलवाता है वह धर्मात्मा पुत्र की देवता भी पूजा करते हैं। माता पिता के निमृत सुपात्र को दान देता हो वह पुत्र पौत्र और पर पौत्र तक अपने आत्मा को पवित्र करता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हे गरुड़, वे पापी काल मरने के पश्चात सोच करते हैं, जो पुत्र पौत्र भाई सगोत्री मित्र आतुर काल में दान नहीं देते हैं वे ब्रह्मचारी होते हैं, इसमें संशय नहीं है। गरुड़ पुराण काठमाध्याय प्रेम से बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। ताना मातुर कारिकाम म्रिये मनस्य जत्त कृत्वा तभी दाति वद प्रभो श्री भगवान वाचा श्रोताक्ष प्रमुख्यामि देह त्याग्या माता द्विजम सूता लेना विधानेन संतति दान्ति जायक। गरुड़ जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने आतुर काल का दान तो अच्छे प्रकार वर्णन किया, अब मिर्यमान यानी मरने का समय का जो कर्तव्य हो वह वर्णन कीजिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ सुनो, शरीर त्यागने के समय उस विधि को कहता हूँ जिस विधि को करने से मरा हुआ मनुष्य उत्तम गति को पा सकता है। कर्म योग को शरीर धारी अपने शरीर को छोड़ना चाहे उस समय तुलसी जी के समीप जाकर के गोबर से लिप करके और आसन लगा करके उस पर तिल और कुसा बिछा करके सफेद आसन पर शालिग्राम जी की मूर्ति को स्थापन करके जहाँ पाप और दोषों को दूर करने वाले शालिग्राम की मूर्ति होते हैं उनके पास मरने से जीव को अवश्य मुक्ति होती है। संसार के तापों को दूर करने के तुलसी की छाया जहाँ होती है और मरने से जहाँ जो तुलसी की छाया में जिनकी मृत्यु होती है उन्हें वह मुक्ति मिलती है। यह सदा दान से भी दुर्लभ है। इसके घर में तुलसी का स्थान रहता है, वह घर तीर्थ रूपी पवित्र रहता है, वहाँ जमदूत नहीं रहते हैं। जो मनुष्य तुलसी की मंजरी से युक्त होकर के प्राणों को छोड़ता है उसको जमराज देखने में भी असमर्थ होते हैं, वह सीधे स्वर्ग लोक को चला जाता है। स्वर्ग लोक को चला जाता है, इसीलिए कुसा अग्नि मंत्र तुलसी ब्राह्मण गौ ये बार बार काम में आने पर भी अशुद्ध नहीं होते हैं। कुसाएं पवित्रों में ब्राह्मणों का प्रेत भोजन करने से निर्मल होते हैं, वह अन्न मंत्र गौ और तुलसी नीच के घर में जाने से अग्नि चिता में जाकर के अपवित्र होती है। गोबर से लिपी हुई भूमि पर कुसा बिछा करके आतुर समय में मनुष्य भगवान का नाम स्मरण करे और वहाँ जमदूत से पिता के लिए स्थान में खटिया पलंग चौकी अंतरिक्ष से बिछा करके और सज्जादान आदि गद्देदार रूई से भरा हुआ गद्दा बिछा करके और लिपी हुई भूमि पर सुख से सोना और रत्न छोड़े और शालिग्राम जी को चरणामृत पिलावे। ये शालिग्राम जी की चरणामृत पीने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे गरुड़, जैसे अग्नि को पा करके रूई के ढेर जल जाता है उसी प्रकार से भगवान का नाम लेने से गंगा जल पीने से उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं यानी खत्म हो जाते हैं जल जाते हैं। जो मनुष्य सूर्य की किरणों से तपे हुए गंगा जल को पीता है वह सब जोनियों से छूट करके भगवान के स्थान को जाता है। और नदियां तो स्नान करने से मनुष्यों को पवित्र करती है किंतु गंगा जी तो दर्शन स्पर्श पान और गंगा गंगा
ऐसा कहने से सैकड़ों हजारों अपवित्र पुरुषों को पवित्र कर देती है। जो मनुष्य प्राण निकलने के समय मैं श्रद्धा पूर्वक गंगा जी का नाम स्मरण करता है वह परम गति को पाता है। इसीलिए ध्यान करे और प्रणाम करे और स्मरण करे तथा जल पीवे, फिर कुछ मोक्षदायक का पाठ सुने जो अंत में भगवान का एक श्लोक अथवा आधा श्लोक पढ़ता है, उसका ब्रह्मलोक से फिर कभी आगमन नहीं होता है। वेद और उपनिषदों का तथा शिव और विष्णु के स्तोत्रों का पाठ करने में ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों की मृत्यु मुक्तिदायक होती है। इसीलिए सब जत्न करके पिता के माता के प्राणों की जहाँ तक बने वह पुत्र रक्षा करे। उसके बाद जब वह प्राणी आपान से मिला हुआ प्राण जब उससे अलग होता है तब वह सूक्ष्म वायु रूप होकर के शरीर से यह आत्मा निकल जाती है जिसे मनुष्य नहीं देख सकता है। चारों तरफ आदमी भरा हुआ है, आदमी मरता है तो कुछ निकलते देखा कौन सी हालत कैसे प्राण निकल गया आज तक किसी को इस समझ में नहीं आया कि हवा है कि कोई पेड़ है कि आदमी है कौन सी है। आवाज करता है, बोलता है, सब करता है, आधा तो निकल गया तो कैसे निकला ये आदमी नहीं देख पाता है। क्या चीज है ये, कैसा चीज है ये आत्मा कि फिर ये माने ये शरीर नाश हो गया, खत्म हो गया, कुछ नहीं, ये निकल गया शरीर तो बस मट्टी के मट्टी हो गया। भगवान और यथार्थ रूपों से शरीर को बना करके तुम्हें मनुष्य में जन्म करके भेजा है, इसीलिए कि तुम मनुष्यपना से धर्म से धरती को संचय करना और तुम्हारा जो राह खर्च है यह होने से तुम्हारी सदगति होगी। परंतु मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता है, ये मनुष्य का भूल है। इसीलिए बताया गया है कि मनुष्य पृथ्वी पर जब आत्मा निकल जाती है तो पृथ्वी पृथ्वी में लीन हो जाती है, जल जल में, तेज तेज में, वायु वायु में लीन हो जाती है, आकाश आकाश में अग्नि हो जाता लीन हो जाता है। देहों में जो आत्मा रहता है वह सर्वव्यापी शिव रूपी नित्य मुक्त जगत की साक्षी आदि और अमर है। आत्मा मरता नहीं है, वह निकल जाता है। सब आदि विषयों से, सब इंद्रियों से युक्त एवं काम राग और कर्म कोष से युक्त जीव पुण्य का यात्रा को से मुक्त हुआ अपने कर्मों से निमृत किए हुए कर्म का फल अवश्य प्राप्त होते हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले धर्मात्मा प्यारे बुद्धिमान पुरुष देवदूत का कृत कृत प्राणी को विमान से बैठा करके स्वर्ग में ले जाते हैं और सुंदर शरीर वाला निर्मल वस्त्र माता और स्वर्ण रत्नों से आभूषणों से युक्त होकर के दान के प्रभाव से महानुभाव देवताओं से पूजित होकर के वैकुंठ को चला जाता है। गरुड़ पुराण का नौमाध्याय प्रेम से बोलिए गरुड़ जी महाराज की जय। विधान विभूषो कीर्ति बद सती जनी भवे पत्नी तस्चाचा महिमा बद। गरुड़ जी पूछते कि हे प्रभु सुकृति के शरीर का दाह करने का विधान कहिए या किस विधि से जलाया जा सकता है। बताता है कि जब पुरुष की मृत्यु हो जाए अगर वह स्त्री फिर वह स्त्री जो है सती होना चाहे तो उसके लिए मृतक शरीर को स्नान करा दे और चंदन माला से गंगा जल से मृतक को सुशोभित करे, फिर नए वस्त्र को ढक करके अपसभ्य होकर के
नाम और गोत्र का उच्चारण करके मृत्यु के स्थान में सब के नाम से दक्षिणा सहित पिंड को दान करे। वहां की भूमि और वहां की अभीष्टता देव प्रसन्न होते हैं। द्वार पर पंथ के नाम से पिंड देना चाहिए और उससे भूतों को गणना की प्राप्त होती है और दुर्गत नामक जीव विघ्न बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसके पीछे परिक्रमा करके पुत्र बधु आई ये सब उसकी पूजन करे। फिर अन्य बधुओं के साथ पत्र को पत्र फूल से उनकी पूजन करे। फिर कंधा लगाना चाहिए जो अपने पिता को कंधे पर धर करके श्मशान को ले जाता है वह पुत्र पद पद अश्वमेघ जगन करने का फल प्राप्त होता है। इसीलिए कि पिता ने सदा कंधे पर पीठ पर गोद में दे करके आपको घुमाया। वह कर्ज कब वसूल होता है जो मरे हुए अपने माता पिता को कंधे पर लेकर श्मशान पहुंचाता हो वह पुत्र सार्थक है, अन्यथा बताया है कि वह पुत्र निरर्थक है, वह पुत्र सार्थक नहीं है। जो अपने जिस माता ने जन्म दिया, जिस पिता ने पाला पोसा, जब उसका वो अंतिम संस्कार नहीं कर सका तो वह कैसे माना जा सकता है कि ये हमारा पुत्र है। और वह पुत्र का क्या अधिकार है कि वह कह सकता है कि यह मेरी माता थी या मेरे पिता थे, ऐसा नहीं कह सकता है। ऐसा अगर कहता है तो उसकी भूल है और अपने संस्कार को हीन कर रहा हो, वैसा पुत्र अपवित्र हो जाता है। वह भूमि पर ब्राह्मण देवता पूजन करने में उसका हाथ से जल भी नहीं चलता है, वह इतना पवित्र होता है। जो माता पिता के मरने पर मुंडन नहीं करावे, माथा नहीं मुड़ावे, श्राद्ध नहीं करे, फिर वह पुत्र कैसे माना जा सकता है। वह पुत्र न शिला घर में पूजा कर सकता है, न देवता देवी का पूजन कर, जब वो पिता का श्राद्ध नहीं किया तो वो कुछ नहीं कर सकता है, वो प्रतिबंध है। अगर करता है तो उसका शरीर कष्ट भोगी होगा, वह रोगी होगा, वह पापी होगा, वह कभी धर्म का संचय नहीं हो सकता है, यानी धर्म उसका जमा कभी नहीं होगा। जो अपने माता और पिता के ऋण से मुक्त नहीं हुआ, माता पिता का ऋणी रह गया और जब कंधे पर लेकर के पुत्र पहुंचा देता है तब वो अपने ऋण से मुक्ति हो जाती है, अन्यथा नहीं। और इसी प्रकार से जत्न करके ऐसा करते हुए राक्षस आदि वैसे जो पुत्र दान और श्रद्धा से उनकी क्रिया करते हैं उन्हें राक्षस आदि विघ्न नहीं करते हैं, यानी बाधा नहीं करते हैं। प्रेत के लिए पिंड दान तृण आदि से अग्नि लेकर के पुत्र अग्नि देवे। फिर पुत्र श्मशान पर जाकर के वो आग दे, अग्नि दाह करे, परंतु पचक में दाह ना करे। जो पचकों में दाह मरता हो उसकी गति नहीं होती है, पंचक में मरे हुए दाह नहीं करना चाहिए, दाह से अन्न की मृत्यु होती है। इसीलिए धनिष्ठा से आधे, धनिष्ठा के आधे से लेकर के रेवती के अंत तक के पांच नक्षत्र पंच संजक है, ये दाह का योग्य नहीं है। यदि दाह करे तो अशुभ होता है, इसीलिए वो पंचक में मरे हुए को चार कुश का पुतले बना करके और उस नक्षत्र में मंत्रों से अभिषेवित कर करके और तब फिर उसकी दाह को जलावे और इस प्रकार से उसका दाह करे। इसके पश्चात सफिंदन श्राद्ध के बिना पुत्र विधि से पंचक शांति करे। दोषों को शांति के लिए तीलों का पात्र सोना चांदी रत्न और घी से भरा हुआ कांसा का पात्र देना चाहिए। इस प्रकार शांति के विधि करके जो दाह करता है उसको विघ्न नहीं होता है और प्रेत की गति होती है। इसीलिए पंचक की दाह में इस प्रकार से करनी चाहिए। फिर कुकुम अंजन उत्तम वस्त्र आभूषण को धारण करके
ब्राह्मणों तथा अपने कुटुंबियों के साथ रह करके वो दान करे, फिर गुरु और को नमस्कार करके मकान से बाहर निकले और मंदिर में जाकर के भगवान की भक्ति को प्रणाम करे, वहाँ सब आभूषणों को समर्पण करके नारियल लेवे और लज्जा से अपने मुंह को छोड़ करके और अपने शरीर को अपने पति के चिता को फूल की सेंध समझ करके उस पर उसकी पत्नी बैठ जाए, चिता के फूल के सेंध को समझ करके उस पर चढ़े और अपने गोदी में पति को सुलावे, यानी जिंदा औरत मरे हुए पति को गोद में ले ले और चारों तरफ से लकड़ी सजा दे। उसके बाद वह सखी सलोनी जो भी है सखा सबको आदेश दे कि आप अग्निदाह कीजिए, यानी अब जलाइए क्योंकि जीवित न है, मलड़का तो नहीं बोलेगा बल्कि 2 घंटा में फूको चाहे 4 घंटा में, लेकिन जिंदा है तो बोलने न करेगा, उसको जिंदे जलना है पति के साथ। तब आदेश दे कि हाँ माने अग्नि का दाह संस्कार प्रारंभ कीजिए। तो यदि स्त्री गर्भिणी हो तो पति के साथ, यानी जैसे गर्भवती स्त्री हो तो सती नहीं होगी, गर्भपात होने के बाद ही वो कुछ कर सकती है वरना नहीं। अगर गर्भवती स्त्री हो तो उसे सती नहीं होनी चाहिए। जैसे अग्नि में धौंकी हुई धातुओं का मल जल जाता है, उसी प्रकार से अमृत तुल्य अग्नि के सती स्त्री को उनके पाप को जलाता है, उसके शरीर में कोई कष्ट नहीं होता है। जैसे शपथ आदि में शुद्ध सत्य और धर्म युक्त मनुष्य गर्भ लोह पिंड से कभी नहीं जलता है, वैसे ही पति युक्त स्त्री कभी भी नहीं जलती है, अर्थात जलने से उसे कष्ट नहीं होता है, परंतु मृत पति को अंतरात्मा के साथ उसकी आत्मा मिल जाती है। और जब तक के स्त्री अपने शरीर को पति को साथ अग्नि में नहीं जलाती है, तब तक के वह स्त्री शरीर को कभी नहीं छूटती है। इसीलिए सब प्रकार के जत्न करने से मन वचन कर्म और अपने पति की सेवा करे और मरने पर उसी के साथ सती हो जाए। पति के मर जाने पर जो स्त्री पति के साथ सती अग्नि में जलती है, वह अरुंधति वशिष्ठ जी के स्त्री के समान होकर के स्वर्ग लोक में निवास करती है और वह स्वर्ग में पति से भी अधिक शोभा वाली वह स्त्री अप्सराओं से पूजित होकर के तब तक के पति के साथ ही रमण करती है, फिर उसको वही पति मिलता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। पति के साथ रमण करती है और जब तक के 14 इंद्र राज करते हैं, तब तक के वह स्त्री और पति के साथ सती होती है और माता पिता जहाँ ब्याही गई तीनों कुलों को वह पवित्र कर देती है। 3.5 करोड़ बाल में मनुष्यों को शरीर में होते हैं, उससे भी वर्ष तक के पति के साथ स्वर्ग में वह आनंद करती है। फिर सूर्य के तुल्य वह प्रकाशमान हो जाती है। जो स्त्री क्षण मात्र के दाह सुख से ऐसा सुख छोड़ देती है, वह मूर्खा स्त्री जन्म भर विरह की अग्नि में जला करती है। इसीलिए पति को शिव रूप जान करके उनके साथ शरीर को जलावे हे गरुड़। यदि स्त्री सती होना न चाहे तो उसे प्रयास करके यानी जोर दे करके नहीं जलाना चाहिए। आधा दग्ध होने पर अथवा पूरा दग्ध होने पर सब का मस्तक फोड़े और गृहस्थियों काठ से मंत्र से घी की आहुति दे करके हे पावक तुम वासुदेव भगवान से उत्पन्न हुए हो, इसे तुम फिर उत्तम हो गए स्वर्ग लोक के लिए, या तुम्हारे हुवी रूप हो इससे तुम प्रज्वलित हो, इस प्रकार से मंत्र से चित्रकूट घी की आहुति दे करके बहुत जोर से रोना चाहिए, फिर मृतक का सुख होता है। दाह होने के पीछे स्त्रियों को स्नान करना चाहिए, इसके बाद पुत्र आदि पुरुषों को स्नान कराना चाहिए, फिर नाम गोत्र का उच्चारण करके तिल जल अग्नि दे करके और फिर भोजन करे, परंतु घर का अन्न न खाए। फिर मृतक को जगह पर नीप करके 12 दिन तक के रात दिन दक्षिणाभिमुख दीपक जलावे। हे गरुड़, सूर्य अस्त होने पर श्मशान अथवा चौराहे पर 3 दिन तक के मिट्टी के पात्र में दूध जल को देवे।
फिर इस प्रकार से अग्निहोत्र वाले पुरुषों को चौथे दिन और अग्निहोत्र वाले हितों को तीसरे या दूसरे दिन ही विरोध रहित अग्नि संचय करे। इसकी विधि यह है, श्मशान भूमि में जाकर के स्थान पवित्र करके और फिर बलि दे दे। इस प्रकार से हे गरुड़, फिर चिता में स्नान करके दूध छिड़क करके और अस्थियों को उठा उसको ढाक से पत्तों से रख करके दूध और जल से धोवे, फिर उसकी मिट्टी से मिट्टी के पात्र में रख करके और विधि से श्राद्ध करे। त्रिकोण मंडप बना